नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का वन औषधि आयुर्वेदा के कार्यक्रम आयुष्मान भव में। कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके जीवन में जो भी रोग है या आपके घर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित है, उसे उन रोगों से मुक्ति दिलाई जा सके, आयुर्वेद के माध्यम से बताया जा सके कि किस तरह से आप अपनी इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और इस बारे में इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हकीम नानक चंद जी। चलिए सबसे पहले मिलकर हकीम साहब का स्वागत करते हैं। हकीम साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, आपके जीवन में किसी तरह का कोई ऐसा रोग चल रहा है जिससे मुक्ति पाना चाहते हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर हकीम साहब से बात कर अपने तमाम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। हकीम साहब जी, सबसे पहले तो अगर आपकी बात करें तो पिछले 300 वर्षों से आपका परिवार जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा है, लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो पिछले 15 से 20 वर्षों से लगातार संतों को अपनी सेवा देना, और आज का समय है जहाँ इंसान एक छोटी सी छोटी चीज़ में अपना फ़ायदा देखता है। आप पिछले 20 सालों से अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से एक दिन निकालते हैं, संतों को निशुल्क सेवा देते हैं, उनसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते, क्या भाव है? और जब संतों के लिए आप ये करने लगे, उसके बाद से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? सबसे बड़ा तो यही सवाल है, ये आपसे जानना चाहूँगे। ज्योति जी, पहली बात तो ये है कि अगर संत हमारे जीवन में नहीं है तो बात अधूरी है। अब आपने कहा कि लोग फायदे के लिए करते हैं, तो मैं भी फायदे के लिए करता हूं। जी, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि फायदा तो यही है कि यहाँ रह के उस लोक की तैयारी करें जहाँ हमने परमानेंट रहना है। वहाँ का, जैसे हमें अमेरिका जाना है तो हमें अमेरिकन डॉलर चाहिए, कहीं किसी देश में जाना तो उसका डॉलर चाहिए। तो ये जो संतों की सेवा का जो फल मिला है वो नाम रूपी एक ऐसा शस्त्र मेरे हाथ में लग गया है संतों की कृपा से। तो हमारे घर में 15 साल से अखंड नाम जप चल रहा है, जिसका मैं मूल्य संतों को ही देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमारे घर ये कृपा चल रही है। नहीं तो इस कलयुग में केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में अगर भगवान किसी रूप में आए तो नाम रूप में आए। तो संतों की सेवा से मेरे को ये फल मिला कि मेरे परिवार में 15 साल से अखंड नाम जप चल रहा है, जो कि संतों की कृपा से ही चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जीवन में अगर संत नहीं है तो ये जीवन अधूरा है। और फायदे की बात, ये जन्म तो कैसा भी हो संतों के आश्रित रह के जी रहा है, और अगला जन्म भी संतों के हवाले है, जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, पिछले 300 वर्षों से हकीम साहब का परिवार जो है वो लोगों की सेवा कर रहा है, आयुर्वेद के माध्यम से अपनी सेवा लोगों को दे रहा है। इसके साथ ही पिछले 15 से 20 वर्षों से जो हकीम साहब हैं वो गुरु की शरण में हैं, और गुरु की शरण में रहकर ही वो जो संत लोग हैं, जो साधु संत हैं, उन्हें मुफ्त सेवा देते हैं, उनका इलाज करते हैं। आप किसी भी जगह पर चले जाइए, आपको वहाँ पर उनके रहने के लिए, उनके वस्त्रों के लिए, उनके खाने के लिए बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहाँ पर वो आसानी से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। लेकिन संतों की सेवा करना, उनको निःशुल्क इलाज देना, ये शायद ही बहुत कम जगह होता होगा, और ऐसा ही जो शुभ कार्य है वो हकीम नानक चंद जी कर रहे हैं। तो आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने जीवन की जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, उन्हें दूर कर सकते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं लीवर के बारे में। लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर लीवर को किसी तरह का इफ़ेक्ट हो गया तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बच्चे के साथ, कि बच्चे को अगर लीवर में समस्या हो गई तो क्या कुछ जो उसके नुकसान हैं वो आगे चलकर हमें देखने को मिल सकते हैं। हकीम साहब जी, अगर बात की जाए तो मैं अगर अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले कुछ सालों से, जब से हम थोड़े से मैच्योर हुए हैं, थोड़े से हम समझने लगे हैं कि माँ बच्चा क्या होता है, तो हॉस्पिटल से जैसे ही बच्चा माँ बच्चे को जन्म देती है वैसे ही बोल दिया जाता है बच्चे को जॉन्डिस हो गया है।
तो जन्म लेते ही बच्चे को बीमारी हो जाना, पीलिया हो जाना, क्या क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। ज्योति जी, पहली बात तो ये कि लीवर जो है वो ऐसा अंग है, ईश्वर ने दिल और लीवर एक दिया है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस हमारे बॉडी में आंखें दो हैं, हाथ दो हैं, पांव दो हैं, किडनीज दो हैं, लंग्स दो हैं, लेकिन हृदय और लीवर एक एक दिया ईश्वर ने। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बच्चा जन्म होने में ही बच्चा जॉन्डिस में ग्रस्त होता है। अब उसे देखने के बाद एक फीलिंग्स आती है, कहा जाता है कि शराब पीने से या अन्य अशुद्ध आहार, दुष्ट आहार लेने से लीवर डिस्टर्ब होता है, लेकिन बच्चे ने क्या खाया, बच्चे को जॉन्डिस या पीलिया क्यों हो गया? तो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, ये पीलिया इस वजह से हुआ कि माँ जब गर्भस्थ में थी तो उसने पानी कम पिया होगा, उसको पानी पीना चाहिए था लेकिन पानी नहीं पिया। दूसरा, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी मेडिसिन जो डॉक्टर्स देते हैं उसका भी इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ता है। तो मेरा जो कहना है, जितना भी आहार बच्चा लेता है वो माँ से लेता है और माँ जो खाती है उसका असर बच्चे पे जाता है। तो मेरा जो आयुर्वेद के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि माँ का पानी कम पीना और बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण मेडिसिन लेने के कारण से बच्चे के लीवर पे भी इफ़ेक्ट आता है। और ये बहुत दुर्भाग्य हमारा कि बच्चा पैदा होते ही लीवर में ऐसा ग्रस्त, ऐसा गंदा रोग पीलिया लग जाता है कि बच्चे की जो ग्रोथ में बहुत सारा अंतराल पड़ जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप माएँ जो हैं जब कंसीव करें उसके बाद अपने आहार का बिल्कुल ध्यान रखें, पानी, लिक्विड और रेड चीज़ें, ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, क्योंकि जो भी बच्चा खा रहा है वो आपके गर्भ में खा रहा है, जो भी उसके अंदर आ रहा है, जो आप खा रही हैं वो उससे ही आ रहा है। तो जब भी आपने कंसीव किया है, जब भी आप प्रेग्नेंट हुई हैं, तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। पहले के समय की अगर बात की जाए तो हमारी जो दादी होती थी या जो हमारी नानी होती थी, वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी उसे खूब सारा हेल्दी हेल्दी खाना खिलाती थी। आज के समय में महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हो रही हैं तो वो नहीं ध्यान दे पाती हैं, इसकी वजह से भी ये नुकसान जो जन्म शिशु जन्म ले रहा है उसके अंदर देखने को मिलता है। ज्योति जी, काम करना आवश्यक ज़रूरत है, लेकिन हम लोग हिलना जुलना बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल, जिसके कारण से बच्चा जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहता है और बॉडी कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है। उसे अच्छी वायु नहीं मिलती बाहर से, उसको अच्छा वातावरण नहीं मिलता, वो एक कमरे में ही रह जाता है। और इस कारण से भी जो हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल जैसे जैसे जीवन में रहता है वैसे ही वैसे आकार ले लेता है, ये भी अंतराल है कि हम लोग जो है उसका जो रहन सहन ठीक ना होने के कारण से उस गर्भाशय बच्चे के बहुत सारा असर पड़ता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में किसी तरह का कोई भी सवाल चल रहा है, समस्या चल रही है, नंबर्स पे कॉल कर हकीम साहब से बात कर हमारी संस्थान के साथ जुड़कर आपके जो भी रोग है तमाम रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। संजना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी बताइए, क्या समस्या है? मैम, मुझे ना लीवर की प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछना था। जी, मेरा खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया है बट मुझे अभी सेटिस्फैक्ट्री आराम नहीं आया। जी संजना जी, आपकी एज कितनी है? जी 26 साल। सब ये कब से आपको समस्या हो रही है, खाना पचता नहीं आपको? जी वैसे तो 18-19 साल की उम्र से शुरू हो गई थी बट अब थोड़ी ज्यादा हो रही है कुछ सालों से। तो आपने इसमें कोई आयुर्वेद उपचार किया है कि नहीं किया? जी आयुर्वेदिक नहीं पर होम्योपैथिक और एलोपैथिक लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो इलाज है तकरीबन आप इसको सर्च कर सकती हैं, तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ आयुर्वेद में ही है। तो आपको जो अब ये समस्या आ रही है तो आप घर में तो अच्छा आहार लें जो जल्दी पाचन होने वाला हो, बहुत हैवी आहार जैसे जंक फूड ना लें। जंक फूड से अक्सर यही होता है कि हमारा अपच, बॉडी में लीवर वीक हो जाता है, हमारा
जो एंजाइम है या मेटाबॉलिज्म है वो कमज़ोर हो जाता है, तो कोई भी खाना खाएंगे वो रिवर्स बैक आता है। तो इसके लिए आप अपने घर में पुदीने की चटनी, जैसे हरा धनिया, हरा प्याज, पुदीना, हरी मिर्च और उसमें नींबू मिला के उसकी चटनी बना के रोज़ खा सकती हैं, जिससे आपको ये समस्या नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आप गन्ने का रस दिन में एक बार ज़रूर पिए, क्योंकि गन्ने के रस में वो चीज़ है, वो उसमें तत्व हैं जो लीवर को एक मजबूत और हेल्दी बना सकते हैं। तो गन्ने का रस भी आप दिन में एक बार पी सकती हैं, लेकिन आप जैसे आपको रिवर्स बैक आता है तो इसके लिए आप पुदीने की चटनी ज़रूर सेवन करें। अगर इसके साथ भी अगर आपको ये उपचार, ये घर का टोटका है, औषधि नहीं है, अगर आपके इससे आगे चलना है तो आप हमारे टीम के साथ संपर्क कर सकती हैं और मेरे से भी बात कर सकती हैं, दिखा सकती हैं लक्षण को देख के हम आपको मेडिसिन भेज सकते हैं। जी हकीम साहब जी, यहाँ पर एक सवाल जो मेरे मन में आया है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे तो उसे बोला जाता है मत पी, तेरे लीवर ख़राब हो जाएगा, तेरी किडनी ख़राब हो जाएगी, तो जो महिलाएं नहीं ड्रिंक करती हैं या इस तरह वो स्मोक नहीं करती हैं, ड्रिंक नहीं करती हैं, उसके बाद भी उन्हें ये समस्याएँ क्यों होती हैं? ज्योति जी, ड्रिंक करना तो हमें दिखता है कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, उनका तो लीवर ख़राब होता ही है जी, लेकिन लेडीज़ भी उतना हाई पोटेंसी मेडिसिन खाती हैं, वो मतलब अल्कोहल से भी ज़्यादा डेंजरस है। हमें वो आहार लेना चाहिए जो लीवर को नुकसान न दे। हम जितनी मेडिसिन खाते हैं, जितनी भी मेडिसिन खाते हैं, वो लीवर पर इफ़ेक्ट करती हैं। और तो महिलाएँ क्या करती हैं, ज़रा सा पेन हुआ, तकलीफ़ हुई, थकान हुआ, बिल्कुल, तो उसमें तुरंत जो है ये अपनी मेडिसिन कहीं अपने ड्रॉअर में रखी होती है, निकालती हैं और खा लेती हैं। तो आप ये समझें कि अल्कोहल से भी ज़्यादा डेंजरस जो है अनचाही मेडिसिन हैं, जो कि हमें लेनी है या नहीं लेनी, क्योंकि डॉक्टर्स के अगर हम मिलने के बाद जो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करें वो लेना तो एक कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपने आप कितनी लेनी है, क्या कितनी मात्रा उसकी, तो इससे लेडीज़ को ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी। हकीम साहब जी, आगे अगर बात की जाए तो बहुत सारी परिस्थितियों में डॉक्टर्स कहते हैं कि लीवर में फैट बढ़ गया है, तो लीवर में फैट बढ़ना, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि क्या है और क्या कारण है और कैसे ठीक हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैं आज एक बहुत बड़ा तो आपने प्रश्न किया है, बताना चाहता हूँ कि हमारा लीवर जो है, हमारी बॉडी बताती है, लीवर के लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं बॉडी से ही, उस पर ब्लैक पैच आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, शरीर पीला हो जाता है, उंगलियों के नाखून पीले होने लगते हैं, आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, उल्टी जैसा भाव बनता है, ब्लोटिंग होती है, रिवर्स खाना आता है, ये सारी समस्याएं, पैरों में सूजन आती है, तो ये दर्शाता है कि हमारा लीवर फैटी हो गया है, लीवर इनलार्ज हो गया है। लेकिन ये क्यों हुआ, इन लक्षणों को देखने के बाद हम सोचें कि ये क्यों हुआ, ये हुआ कि हमें टाइमिंग में बहुत सारा नियंत्रण रखना पड़ेगा, जगने के समय जागना चाहिए, सोने के समय सोना चाहिए और खाने के समय खाना खाना चाहिए। अब खाना हम लोग कैसे खाते हैं, कितनी बार चबाना चाहिए, कैसे चबाना चाहिए, ये सारी चीज़ें वैद्य बता सकते हैं, वैद्यों से मिलें, लेकिन लीवर फैटी बहुत डेंजरस, आपके जीवन में लीवर पे अटैक शुरू हो चुका है बहुत ज़्यादा, और इस लीवर फैटी को डाउन करने के लिए आपको आयुर्वेद आचार्य से मिलना चाहिए और आयुर्वेद औषधि का सेवन करना चाहिए, जो कि उसको नियंत्रण में रखते हुए आपकी बॉडी के हिसाब से आपको जो मेडिसिन दें उसको खाएं, क्योंकि फैटी लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस, आपकी बॉडी का एक बहुत बड़ा अंग जो महत्वपूर्ण है वो आप बीमारी में ग्रस्त हो गए। जी हकीम साहब जी, आगे इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अगर हमारा लीवर ख़राब है तो हमें आने वाले समय में और किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। लीवर अगर ख़राब है तो सबसे पहले हमारी बॉडी में ब्लड बनने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, हमारा ब्लड बनना कमज़ोर हो जाता है, पानी बनना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी पीले येलोश कलर में होने लगती है, इससे हमारी बॉडी में वीकनेस, ब्लड की कमी, हड्डियां कमज़ोर, वीकनेस, ब्रेन पे अटैक, बॉडी पे ऐसे लक्षण ऐसे से दिखते हैं कि हम चलने में भी असमर्थ हो जाते हैं,
हमारी बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि खाना भी खाने हाथ ऊपर लाने के लिए भी हमारी बॉडी असमर्थ हो जाती है, इतनी वीकनेस आ जाती है। और हमें लीवर को देखते हुए, लीवर हमारी बॉडी का अंग नहीं होके वो एक शरीर का पूरा संचालन करने वाला है, और हमें वही आहार में भी वही लेना चाहिए जो उसको हेल्दी बनाए और मजबूत रखे। जी तो बिल्कुल दर्शकों, अगर हमारा लीवर ख़राब हो गया है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो बीमारियां हैं उसमें हम घिर सकते हैं, लेकिन हमारा आहार किस तरह का हो ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपको कोई रोग लग गया है, अगर आपका लीवर ख़राब है, तो किस तरह का आहार आपका होना चाहिए ताकि जो भी समस्या आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, वो दूर हो जाए, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुलाकात कर अगर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो मुलाकात भी आप कर सकते हैं। जी हकीम साहब जी, आगे अगर बात की जाए आहार की, तो हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ज्योति जी, पहली बात तो ये है कि खाना क्या चाहिए, हमें वही आहार लेना चाहिए जो एक तो सीज़न के हिसाब से हो। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सीज़न की बनी हुई जो आज सीज़न में इस प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे गर्मी का सीज़न है तो गर्म चीज़ें खानी चाहिए, और सर्दी का सीज़न है तो सर्द चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन हम अगर जॉन्डिस में हैं, पीलिए में हैं, लीवर के रोग में हैं, तो हमें क्या खाना चाहिए? सबसे पहले आप रेड, जैसे लीवर में ब्लड बनने की एक क्रिया है, तो ब्लड का जो रंग है वो लाल है, रेड है, तो हमारी प्रकृति ने वो चीज़ें बनाई हैं जो हमारी बॉडी से मिलती जुलती हैं। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो रेड कलर का है। अगर हम अनार को देखें तो उसकी शक्ल, उसका रस जो है बिल्कुल ब्लड की तरह है, तो हमें अनार ज़रूर लेना चाहिए, रोज़ अनार पीना चाहिए, अनार का रस लेना चाहिए, और उसके साथ साथ चुकंदर जो है जी, वो भी बिल्कुल लाल है, उसको रोज़ लेना चाहिए जी। गन्ने के रस में थोड़ा सा चूना मिला के, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी पीलिया हो जाए तो आप गन्ने के रस में थोड़ा सा चूना मिला के आप रोज़ लेना शुरू करें। गेहूँ जितना चूना एक गिलास पानी में मिला के रोज़ लेना शुरू कर दें, इससे आपका यकृत जो है ये लीवर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, इमली को पानी में भगो के रख लें, जब भी खाना खाएं, सब्ज़ी खाएं, दाल कुछ भी, एक दो चम्मच पानी पिएं तो वो आप उसमें मिला के ले सकते हैं। हकीम साहब जी, आगे चर्चा करेंगे कि क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। हाँ जी, देवेंद्र नाथ मैं नाम है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। समस्या बताइए। मेरे भतीजे का पीलिया हो गया है, तो उसका निवारण क्या है जी? आपके भतीजे की उम्र कितनी है जी? चालीस साल। इसका निवारण तो बहुत अच्छा है, आप अपने घर में 10 दाने आलू बुखारा, बाजारी पंसारी की दुकान से आपको आलू बुखारा मिल जाएगा, 10 दाने आलू बुखारा, और उसके बराबर ही आप इमली डाल दें, और उसके बराबर ही मिश्री डाल दें, धागे वाली मिश्री आती है, ये तीन चीज़ें मिला के रख लें रात को मिट्टी के बर्तन में, सुबह उठ के एक गिलास पानी डाल के रखा होगा, वही पानी सवेरे खाली पेट आपने रोज़ पीना है, इससे आपका लीवर ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप लीवर गंभीर समस्या में है, ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए आप आयुर्वेदाचार्य से मिलें, बिना आयुर्वेदाचार्य के कोई भी मेडिसिन सेवन ना करें। ये घर की बात थी, एक टोटका हमारा, वो हमने बता दिया, अगर इससे लाभ होता तो ठीक, नहीं तो आप बहुत जल्दी आयुर्वेद से मिलें, आयुर्वेदाचार्य से मिलें, या मेरे को फ़ोन कर लें तो मैं आपको इसका परामर्श दे सकता हूँ जी। तो बिल्कुल, आपकी भतीजी को पीलिया हो रखा है और आपको बताया हकीम साहब ने कि क्या घर पे उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपका परामर्श लेना बेहद आवश्यक है। आपको किसी सही आयुर्वेदा जो आपको बता सके कि किस तरह की दवाइयां आपको खानी है, किस तरह से आपको क्या खान पान रखना है, ताकि आपकी भतीजी को जो भी समस्या परेशानी आ रही है वो दूर हो सके, तो आप इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं और जाकर संपर्क करना चाहते हैं, किसी और से परामर्श लेना चाहते हैं, तो ज़रूर आप परामर्श ले सकते हैं, लेकिन हमारे संस्थान के माध्यम से, हमारे जो संस्थान है वहाँ पर बहुत ही ऐसे डॉक्टर्स बैठे हैं जो आपकी जो भी समस्या परेशानी चल रही है उसे ज़रूर दूर कर देंगे। आयुर्वेद आज का नहीं, जब से सनातन धर्म है तब से आयुर्वेदा चलता आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके रोगों से मुक्ति मिल जाए और वो मुक्ति आयुर्वेद के माध्यम से मिले, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, और मन में जो भी सवाल है, जीवन में जो भी समस्या है, किसी भी तरह का कोई भी रोग है, आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं।
हकीम साहब जी, एक सवाल जो लीवर से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमसे भी पूछा जाता है कि तुम आयुर्वेद का प्रोग्राम करती हो हकीम साहब जी के साथ, तो क्या आयुर्वेद उतना जल्दी काम करता है जितना जल्दी बाकी जो वो हैं वो काम करते हैं? सबका कहना है कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज्योति जी, पहली बात ये कि हम आयुर्वेद में गए क्यों हैं? जी, आयुर्वेद में हम गए हैं कि हमारा पार्ट ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए, और पैथियों में रिपेयर करने की जो है क्षमता वो कम है, और आयुर्वेद जो उसको रिपेयर करता है। अगर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, किसी भी पार्ट को अगर आपने रिपेयरिंग में लाना है, उसको दोबारा रीजनरेट करना है, उसको दोबारा काम पे लाना है, वर्क में लाना है, तो आपको आयुर्वेद में टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया भक्ति, प्रेम और आयुर्वेद तीनों टाइम मांगते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भक्ति में भी आप फेल हैं, आयुर्वेद में भी फेल हैं और प्रेम में भी फेल हैं। तो आयुर्वेद में टाइम दिए बिना, ये बात हकीकत है, आपको टाइम देना पड़ेगा, और इतना कमज़ोर नहीं है आयुर्वेद कि आपको जल्दी ठीक ना कर सके। वो रोगों पे निर्भर है कि नो रोग कैसा है, असाध्य रोग में टाइम, जैसे कैंसर है, किडनी का पेशेंट है, या और अन्य कुछ एक असाध्य रोग है, उसको अस्थमा है, उसमें टाइम लगता है, और ये छोटे छोटे रोगों में तो वो बहुत जल्दी बहुत स्तर पे काम करता है, और आप स्वस्थ बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता और ठीक हो जाता है व्यक्ति। जी, तो बिल्कुल एलोपैथी में अगर आप जाते हैं तो आपकी जो दवाइयाँ हैं वो ना जाने कितने ही वर्ष चलती हैं। आयुर्वेद वक्त ज़रूर लेता है, लेकिन आपकी जो समस्या है, आपका जो रोग है, उसे बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही जल्दी से उसे रिकवर कर देता है। तो आप भी आयुर्वेदा के साथ जुड़ सकते हैं, जो भी रोग है, जो भी परेशानी है, उसे दूर करने के लिए। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शकों से बात करेंगे। हेलो, हेलो जी, जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। अनिल कुमार बोल रहा हूँ। अनिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताएं अनिल जी, क्या समस्या है? जी 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 अनिल जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 42 साल है जी। 42 साल है, क्या समस्या है आपकी? लीवर में दिक्कत है जी, मैं कोई अंडा में दारू कुछ नहीं पीता, खाता नहीं मैं जी। तो आप लीवर में दिक्कत है जी। अच्छा, आपको खाने पीने में कुछ दिक्कत आ रही है, पचाने में कोई दिक्कत आ रही है आपको? भूख भी नहीं लगती सही से। अच्छा, ठीक है, आप सबसे पहले अपने किसी भी नज़दीक आयुर्वेदाचार्य से मिलें, क्योंकि आपका जो एज के हिसाब से ये समस्या आप बता रहे हैं, नाभि चक्र, हमारा जो बॉडी में नाभि चक्र है वो वीक होने से भी भूख नहीं लगती या खाना पचता नहीं है, तो उसको भी आप देखें, क्योंकि लीवर की बात, आंखें पीली हों, पेशाब का रंग पीला हो, या हमारा शरीर पीला हो, येलोश हो, तो तब पीलिया होता है। लीवर कमज़ोर जो है वो हमारा किसी और कारण से भी हो सकता है, तो भूख में अगर भूख नहीं लगती तो इसके लिए कई और भी बात हो सकती है। आप कभी भी आप हमारे स्थान पे आके हमारे से बात कर सकते हैं, या मैं आप दिखाने के बाद ही आपको मैं परामर्श दे सकता हूँ कि आपका ये रोग कब, कैसे और किस किस चीज़ से ठीक होगा। जी, तो बिल्कुल अपने रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, इसके साथ आप मुलाकात भी कर सकते हैं, और मुलाकात के लिए आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ मुलाकात कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हकीम साहब जी, आयुर्वेद में परहेज का बहुत बड़ा महत्व होता है, जैसे ही कोई भी दवाई आप खा रहे हैं तो उसके साथ जो परहेज बताए गए हैं वो परहेज लेना बेहद आवश्यक है। तो अगर हम लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में हमें किन चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले जो थी, हमें खाने में तला हुआ बिल्कुल भी नहीं लेना, जो तला हुआ बाजार में जंक फूड हमारा वो नहीं लेना, पुराना खाना नहीं खाना। अगर लीवर आपका ख़राब है तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी पुराना खाना, जैसे हम बाज़ार में खाना खाते हैं तो उनकी जो ग्रेवी होती है वो कई दिनों की बनी होती है, तो बाज़ार का खाना बिल्कुल बंद कर दें। जंक फूड कतई तौर पे बंद है, इसमें तेल का सेवन नहीं करना, क्योंकि तेल खाने से हमारे लीवर पे और अटैक होता है, इसलिए तली हुई चीज़ नहीं खानी। फ्रूट्स खूब खाएँ, मूली का पानी इसके लिए अमृत है, मूली के पत्तों का पानी इसके लिए अमृत है, आप ले सकते हैं, क्योंकि परहेज़ बहुत ज़रूरी है। तो खाना आप टाइम लेके खाएं, धीरे धीरे खाएं, पानी का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा होने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, साफ होती है, उसको क्लीन किया जा सकता है। तो आप लोग अगर परहेज़ की बात करें तो दूषित आहार
जो बाजार का जंक फूड है उससे परहेज रखें। जी हकीम साहब जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए कि हमारा आहार ये जो हमें स्वस्थ करता है और हमारा आहार ये जो हमें बीमार करता है, हम अपने खाने पीने का ध्यान कई बार लापरवाहियां कर जाते हैं, हमें बाहर का जंक फूड आजकल इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है कि हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, हमें खुद ही ये बात नहीं समझ आती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज्योति जी, आपको याद होगा, आप सुना भी होगा आपने कि हमारे बुजुर्ग जो थे खाना खाने के साथ मीठा ज़रूर खाते। जी, लीवर की अगर जान है तो मीठा है। मीठा ना खाने से हमारा जो लीवर है वो कमज़ोर हो जाता है। हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो खाना खाने के साथ उनकी थाली में एक कटोरी छोटी सी जिसमें शक्कर और घी ज़रूर रखते थे, क्योंकि पौष्टिक आहार था। आप मानो हमारे बुज़ुर्ग कच्चा घी पीते थे, उन्हें कुछ नहीं होता था। पहली बात तो ये है कि हमारा लीवर ख़राब क्यों हो रहा है। मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारा लीवर ख़राब क्यों हो रहा है। जब हम आहार इतना बेकार लेते हैं, इतना उसमें कोई शक्ति नहीं है, बल नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो घी कच्चा पीने के बाद भी स्वस्थ रहते थे, इतना पौष्टिक आहार लेते थे कि खाना खाने में मीठा और घी लेते थे। और आज की समस्या ऐसी है, अगर हम घी ले लें तो हमें पचता नहीं है, घी ले लें तो हमें एसिडिटी होने लगती है। तो एसिडिटी और हमारा न पचना खाने का उसका कारण यही है कि दूषित आहार ले लेके हमने अपने लीवर को कमज़ोर बना दिया। कब्ज़ का होना, गैस का बनना, पाचन कमज़ोर होना, ये सारी समस्याएं जो हैं लीवर को डिस्टर्ब करती हैं। हकीम साहब जी, समय का अभाव है लेकिन जाते जाते आपसे भी पूछना चाहूँगी, क्या आपने अपने संस्थान में कोई ऐसी दवाई तैयार की है जिसे का सेवन कर हम जो लीवर की समस्या है, लीवर की बीमारी है या फिर हमें उल्टी आना, हमें खाना ना पचना, इसको ठीक कर सकते हैं? हमारे संस्थान में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण एक औषधि है जिसका नाम है निरोग अमृत रस। निरोग अमृत रस जो है वो लीवर छोड़ो, आप पूरी बॉडी में ही अपना एक कब्ज़ा जमा लेता है कि आपको, आप निरोग ही रहेंगे। उसका नाम ही रखें निरोग अमृत रस। आप कभी बीमार नहीं हो सकते अगर आप उसको रोज़ लें, डेली सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम। एक दिन का बच्चा भी ले सकता है और 100 साल का बूढ़ा भी ले सकता है। और जितना भी अपच, बॉडी की जितनी भी क्रियाएँ, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर है, पाचन कमज़ोर है, वोमिट आती है, उल्टी आती है, पेट में दर्द रहता है, किसी भी कारण आपका वेट घट रहा है, वेट बढ़ रहा है, सब पे काम करता है। उसका 50 ml सुबह, 50 ml अगर शाम पी लें तो निरोग अमृत रस, ये एक जीवनी औषधि है, पुनर्जन्म देती है, उसको आप सेवन कर सकते हैं। जिसको भी ऐसी समस्या हो तो निरोग अमृत रस हमारे संस्थान से मंगवा सकता है, जिससे उसे इन रोगों से निवारण हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी लीवर से जुड़ी हुई किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपका भी खाना नहीं पच पाता है या फिर आपके घर में भी बच्चे का जन्म हुआ और उसे जन्म होते ही उसे पीलिया की समस्या हो गई या किसी भी तरह का कोई भी लीवर से जुड़ा हुआ रोग हो गया है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, किसी तरह का कोई भी रोग है, आप इन तमाम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए नंबर्स पे कॉल करना है, हकीम साहब से परामर्श लेना है, फिर देखिए कि किस तरह से आपका जीवन भी रोग मुक्त हो जाता है। तो हकीम साहब जब भी स्टूडियो में आते हैं तो हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी और तमाम जानकारी देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, और मैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछती हूँ जो मेरे मन में चलते हैं, हमें परिवार के आसपास में वो परिस्थितियाँ देखती हूँ, तो बहुत सारे सवाल मैं आपसे अक्सर वही पूछती हूँ। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए संतवाणी चैनल। नमस्कार। संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।